नमस्कार दोस्तों, इंदु की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेयर कट के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके बाद हम यहाँ पे कहाँ निकल रहे हैं देख सकते हैं। ये छोटा हेयर कट जो हुआ है, इसमें लुक कैसा लग रहा है। हेयर वॉश करके अभी गीला ही है और मैं ये खुला रखी हूँ बाल, तो ये छोटा वाला कैसा दिख रहा है बाल मेरे फेस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दही चीनी है जो हम लोग जतरा बना रहे हैं, लगेज यहाँ पास में है और इनका फ़ोन आ गया था, ओला वाले आ गए हैं नीचे तब, तो इसलिए यहाँ पे प्रणाम करने के लिए आ गए थे। तो ये आशीर्वाद ले लिए, हम ले लिए थे पहले लेकिन ये नहीं लिए थे, तो इसकी वजह से साथ में फिर से ले लिए हैं। और पूजा वगैरह हो गया है, सुबह सुबह का टाइम है ये, और यहाँ पे दही चीनी खा लिए। मैं इनको ऑल द बेस्ट दी दही चीनी खिला के, मैं बोली मुझे भी दीजिए, तो दोनों लोग एक दूसरे को ऑल द बेस्ट दे करके हैप्पी जर्नी बोल के यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये लगेज वगैरह है, यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये चश्मा वगैरह सब रख लेते हैं। कहाँ निकल रहे हैं, क्या क्या आगे ब्लॉग में आने वाला है, आप सब बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और बाल कैसा लग रहा है फेस पे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मतलब कि सर्दी जुकाम बुखार यही सब हो गया है सीजनल वाला, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ लिफ्ट में आ गए हम लोग और बस यहाँ पे लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ जाएंगे। सो यहाँ पे सामने ओला आके खड़ी है, ओला ज़्यादा वेटिंग नहीं करता है, इस वजह से जल्दी से मतलब ज़्यादा वेट नहीं करवाना होता है उनको, आ गए हैं तो बस कुछ मिनट में मतलब कि इसमें बैठ जाना होता है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी भाग के आ रहे थे और ऊपर से ही बुक कर दिए थे। नीचे आने के बाद भी बुक करते, ऊपर से ही देख रहे थे और तुरंत से बुक ही कर दिए, तो इस वजह से हम लोग 5-7 मिनट लग गया आने में, आ कर के बस यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाड़ी में रखते हैं सामान, ये सब लगेज है, लगेज थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है, ज़्यादा कितना भी कम कीजिए लगेज हो ही जाता है, तो बस यहाँ पर रख लिए हैं, ये देख सकते हैं सामान वगैरह इसमें, और बस निकल रहे हैं। तो आप सब बने रहिएगा चैनल के साथ, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो सब आने वाले हैं। और हेयर कट में, हेयर कट का जो वीडियो था ना, उसमें बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ नए नए तरीके का ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। थोड़ा सा लेट ज़रूर होते रहता है लेकिन मैं डालते रहती हूँ, एक दो दिन गैप कर करके कुछ ना कुछ वीडियो आते रहता है, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा। और यहाँ देख सकते हैं निकलनी है हम लोग, अब बस एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं, तो एयरपोर्ट पहुंच करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे क्या मतलब कि कर रहे हैं हम लोग। तो ये देख सकते हैं ये एयरपोर्ट में इन कर गए हैं, ये बेंगलोर, तो बेंगलोर में रह रहे हैं हम, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये बेंगलोर का मतलब जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे उन लोगों को मालूम होगा, जो लोग नए होंगे उनको बता दे रहे हैं। तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट है और यहाँ हम लोग देख सकते हैं उतर गए हैं, और यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ पर बारिश नहीं है, धूप है, हल्का हल्का बारिश नहीं हो रही है अभी, हल्की वाली धूप है, सुबह में थोड़ी सी हुई थी लेकिन अभी अच्छी वाली मतलब कि धूप है। और यहाँ देखिए टाइम देख सकते हैं 10:54 हुआ है, 11 बजे तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये देख सकते हैं 12:30 तक बोर्डिंग मतलब था यहाँ पे कि उसके बाद बोर्डिंग बंद हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 11 बजे तक पहुँच गए। अभी अंदर जाते जाते 15 मिनट और लगेगा, यहाँ पर ले आए ये ट्रॉली और इस पर डाल लिए ये लगेज और चलते हैं अंदर। अभी पहले सामान बोर्डिंग करते हैं, उसके बाद है सो फिर टिकट वगैरह चेक करवाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या है। और ये देखिए ये सब खुद से भी कुछ लोग जो है ना यहाँ पे निकाल रहे थे टिकट वगैरह, टिकट मतलब कि लगेज का जो होता है ना उसके लिए बोर्डिंग टिकट जो होता है। सो हम लोग अंदर चल के वहीं पर दे देते हैं, वहीं दे देगा। थोड़ा सा आवाज़ जो है ना स्लो आ रहा होगा क्योंकि मेरा गला ऐसे हो गया है अभी, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा था इस वजह से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये, तो आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं दो लोगों का 30 किलो तक है, तो हो गया है यहाँ पे देख सकते हैं 30 के करीब है, तो बस ये वजन हो गया और लगेज जो है हम लोगों का यहाँ पे हो गया बोर्डिंग। और उसके बाद चल रहे हैं ऊपर, ऊपर में जा करके बाकी चेक इन होता है, जो हैंड बैग वगैरह है और ख़ुद का चेक इन वगैरह ये सब ऊपर चल के करवाते, तो यहाँ ऊपर आ गए हम लोग, ये देख सकते हैं ऊपर में आकर के। तो यहाँ पे अलग अलग है, बहुत ज़्यादा सुबह वाला में जो है ना भीड़ नहीं था इतना, तो यहाँ पे टिकट का चेक इन ये देख सकते हैं ये हो रहा है, चेक इन करके हम लोग फिर आ गए हैं ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग इधर बैठे हुए हैं देख सकते हैं, बाहर इधर आने के बाद सबका अलग अलग फ्लाइट जिसका होगा ना उस टाइम से। और यहाँ पे थोड़ा मार्केट बहुत ही बढ़िया बढ़िया रहता है मार्केट, तो वो थोड़ा सा अभी घुमाएंगे आपको दिखाएंगे कि
क्या कितने का मिल रहा है यहाँ पे, है ना, प्राइज वगैरह सब ब्रांडेड कंपनी सबका ये सब रहता है इसमें लगा हुआ। लेकिन यही सब हम लोग ऑनलाइन भी ब्रांडेड कुछ लेते हैं तो उसमें जैसा प्राइज रहेगा ना उसका कई गुना ज़्यादा। तो ये एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट पे तो इन लोगों का जो है ना भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लगता होगा, इसकी वजह से सब उसी पर डाले हुए रहते हैं तो थोड़ा कॉस्टली तो रहता है लेकिन सब कुछ अच्छा रहता है, आपको पसंद आएगा ऐसा वाला। लेकिन रेट पसंद नहीं आने वाला है ना, इसका जो प्राइस वगैरह है ना ये नहीं पसंद आएगा। तो यहाँ पर वॉशरूम आ गए हैं, वॉशरूम बहुत ही सुंदर होता है एयरपोर्ट का, तो वॉशरूम जरूर जाते हैं तो थोड़ा यहाँ फ्रेश भी हो लेते हैं सामान वगैरह चेक इन वगैरह के बाद, मतलब थक से जाते हैं तो थोड़ा यहाँ फ्रेश हो लिए हैं। और उसके बाद आके यहाँ पे दिखाते हैं आपको मार्केट यहाँ का, देखिए कितना सुंदर है सब। तो एक दो सामान का मैं दिखाऊंगी इसमें प्राइस भी कि क्या है कितने का है, तो देख सकते हैं। बस उतना ही देर बाल मेरा खुला था जितना देर थोड़ा सा गीला था, अभी मैं इसको बांध ली हूँ, फिर जब रिलैक्स करूँगी आराम से बैठूँगी तभी मैं खोल के रखती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं 70% तक डिस्काउंट था, ये देख सकते हैं ये सब सामान जो है ना क्या है, ये ज्वेलरी वगैरह सब है, ईयरिंग और गले का और ईयरिंग और क्या बोलते हैं ये हाथ का जो रिंग होता है फिंगर रिंग वो सब भी था यहाँ पे। तो मैं कुछ का यहाँ पे प्राइस आपको दिखाती हूँ कितना है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये देख सकते हैं 1200-1300 रुपये 1600-1700 रुपये ऐसे था, मतलब कि 2000 के आसपास का ये छोटा छोटा रिंग जो हम लोग ऐसे 100-200 रुपये में भी मतलब मिल जाता है। देखने में वैसा ही लग रहा था सेम क्वालिटी, वही हाथ में जो है ना थोड़ा सा लग गया कि हेवी है ये, लेकिन ऐसे देखने से सामने से वैसा कुछ फर्क नहीं पता चले। यहाँ देखिए इसका भी था 1800-1700-1600 2000 के आसपास का ही जो था सो सब था, वो रिंग वगैरह सब जो दिखाई। और यहाँ पे है ये पर्स वगैरह, ये देख सकते हैं। तो ये पर्स का भी दाम एक का दिखाती हूँ मैं अभी, ये वाला जो ग्रीन वाला पर्स है ना ये देख सकते हैं यहाँ पे 8000-9000 है। ये सब कंपनी का है, जो ये सब ऐसे भी 2-3 हज़ार से ज़्यादा का नहीं मिलता है, मिल जाता है लेकिन यहाँ पे 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार ऐसे था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो मैं बस यहाँ पे देख रही थी, आप सबको दिखा दी घुमा दी और यहाँ पे फिर हम लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर फ्लाइट के लिए है ना, अब इसके बाद बाहर निकल रहा होता नीचे जाके फिर फ्लाइट के लिए है। ऊपर आए थे चेक इन के लिए, सबसे पहले तो नीचे बोर्डिंग हुआ सामान का, उसके बाद ऊपर चढ़ के बाकी चेक इन हुआ और फिर अब आ गए हैं यहाँ पे बाहर। तो कुछ ज़्यादा ही अभी चेक इन हो रहा था, बहुत सारा सामान जो है ना निकाल निकाल के लोगों का रख रहे थे हैंड बैग में, काफ़ी कुछ सामान जो है ना हटा रहे थे जो अलाउ नहीं था। और यहाँ देख सकते हैं कितनी खुशी है, फ्लाइट तक पहुँच गए हैं और यहाँ से अब उड़ान भरने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तब तक मैं ये दिखा रही थी बाहर का जो कितना सुंदर आसमान उधर साइड का बहुत सुंदर दिख रहा था। और फ्लाइट से सब खड़ी थी और अच्छा था, मतलब धूप थोड़ा जो है ना आँख पे पड़ रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं दिख रहा था कैमरा में, खुद से मतलब देखने पर नहीं दिख रहा था साफ, ऐसे सामने से क्या बन रहा है पता नहीं चल रहा था। मैं बस ऑन करके दे दी थी कि आप थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर का मैं दिखा रही थी ये सब, और आँख बंद हो रहा है आँख पर क्योंकि लाइट पड़ रहा है। ये देख सकते हैं धूप का, बहुत तेज नहीं है धूप लेकिन धूप फिर भी लग रहा था आँख में। तो बस यहाँ पे हम लोग फ्लाइट में इन कर रहे हैं, देख सकते हैं स्पाइस जेट है ये, और यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको तिरंगा, ये देख सकते हैं जय हिंद जय भारत, यहाँ पे साइड में दिखाएंगे तिरंगा आपको। एक एक करके अंदर जो है ना जा रहे हैं लोग, तो सामान लोग रखने लगते हैं इसमें, इसलिए लाइन थोड़ा लग जाता है अंदर में, सामान लोग सेट कर करके और फिर अंदर बढ़ते जाते हैं तो इसकी वजह से पीछे लाइन हो जाता है। यहाँ तिरंगा में दिखाई, बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए, ये देख सकते हैं आ गए हैं सीट पे और बस अब चलने वाली है। यहाँ पे बेल्ट जो है ना लगा लिए है और ऊपर में लोग सब जो है यहाँ पे एसी भी एडजस्ट कर लिए, थोड़ा गर्म सा लग रहा था अभी और बस थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे उड़ान भरने वाले हैं हम लोग जब छोटे थे ना, बहुत छोटे थे तब जो है ना यहाँ पे चलता था गांव में कौन सा ये देता था सीरियल सब, जो इसमें भगवान जी का सीरियल होता था, इसमें दिखाया जाता था कि भगवान जी मतलब जो है ना कैसे भगवान जी जहाँ पे रहते हैं स्वर्ग में वो कैसा होता है वो दिखाया जाता था। तो मैं आगे बताऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लाइट जो है ना ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार है, बस अब उड़ान भरने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बस स्पीड पकड़ लिया है, अब उड़ान भरेगी। तो यहाँ पे उड़ान भरते समय हम लोग जो है सो देख सकते हैं आसमान में उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पे,
और हाथ पकड़ के हम लोग बस उड़ लिए। सावन में हम लोगों का ये जो है ना मौका मिल गया है यहाँ पे मस्त इंजॉय करने का, तो यहाँ पे उड़ते हुए हम लोग बस यहाँ निकल रहे हैं, देख सकते हैं उड़ गए हैं। और जो मैं बता रही थी सीरियल की बात भगवान जी वाला, वो मैं दिखाती हूँ कि क्यों बोल रही थी मैं कि भगवान जी का जो दिखाया जाता था ना सीरियल में स्वर्ग जैसा, वो यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ आप सबको। जो जो लोग होंगे ना मतलब पहले का सीरियल सब देखे होंगे भगवान जी का सीरियल, जिसमें दिखाया जाता था कि सब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान जी सब नारद जी और भी कई भगवान सब हैं जो स्वर्ग में बैठे रहते थे, वहाँ सभा लगती थी और उसमें जो है ना अप्सराएं सब आती थी और कैसा मतलब दिखता था सब चीज़। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे जो है ना ये नीचे से ऊपर से देखने में ऐसा ही दिख रहा है, और आगे जब बढ़ेंगे इसमें एकदम ऊपर तुरंत से बिल्कुल ऊपर ले गया था। ऊपर ले जाने के बाद बादल के बीच में जाने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे हम लोग बचपन में सीरियल में देखे थे स्वर्ग में। स्वर्ग में कैसे भगवान जी सब बैठे रहते थे वैसे लग रहा है। इसमें ध्यान से देखने में बहुत ही सुंदर बादल का सीन बन रहा था ऊपर जा कर के, और साथ में फ्लाइट के अंदर जो सब जो वहाँ पे होती है ना जो क्या बोलते हैं एयर होस्टेज, वो लोग जो है सो एकदम बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं नहीं होती है वैसी ही सुंदर सुंदर रहती है, बहुत ही सुंदर सब रहती है। तो लग रहा था कि बाहर यहाँ पे बाहर देखिए खिड़की से तो एकदम स्वर्ग जैसा दिखेगा बादलों के बीच में, और अंदर घूम के मुंह दिखाइए इधर तो लगेगा कि अप्सराएं सब है, बिल्कुल एकदम स्वर्ग की अप्सरा नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम लोग सीरियल में देखते थे कि स्वर्ग की अप्सरा सब ऐसी एकदम खूब गोरी गोरी सुंदर सुंदर सी होती थी, वैसे ही सुंदर सुंदर सब अंदर आएगी और बाहर जो मतलब आपको स्वर्ग जैसा फीलिंग आएगा। तो ऐसा वाला ये चीज़ इस बार मतलब कि मैं महसूस की तो मुझे दिमाग में आया तो वही मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर किया। ये बहुत ही सुंदर देख सकते हैं कि तो बस उसके बाद बादल ही बादल था, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मिसा पोहा जो है ना ऑर्डर कर लिए थे तो आ गया है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं इसको निकाल के दिखाएंगे। इंदौरी पोहा है ये, इंदौर का फेमस, बहुत ज़्यादा खास टेस्ट तो नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा था, टेस्टी था खाने में। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं कैसा है सर। तो उसी समय मतलब तड़का लगा के रखा हुआ था, पानी डाल के लोग दे देते हैं थोड़ी देर में फूल जाता है, तो अच्छा ही टेस्ट था। बस धीरे धीरे हम लोग इसको खाते रहे। और यहाँ बाहर बादल ही बादल आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ज़्यादा कुछ फिर नहीं दिखने लगा। वो अलग अलग कलर का जो बादल दिखता है ना जब थोड़ा नीचे रहता है तभी, एकदम अंदर चले जाते हैं बादल के तो उतना नहीं दिखता है। और यहाँ बस फिर हम लोग जो खाए पिए उसके बाद यहाँ पे लैंड करने वाले हैं। ये देख सकते हैं कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। तो पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और भी नए नए तरीके का ब्लॉग वीडियो लेकर के मैं मतलब कि हाजिर होती रहूँगी, आप सबका इंटरटेनमेंट होते रहेगा, देखते रहिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लैंड हो रहा है, और लैंड होते होते के साथ ही यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है नीचे का। तो ये जो है ना यहाँ पे जो है देख सकते हैं ना कैसे खुल गया इसका मुँह, मतलब लैंड होने के टाइम, उड़ने के टाइम भी होता है इसका, लैंड होने के टाइम होता है। और यहाँ देख सकते हैं उतरते उतरते कितनी बारिश हो रही है, तो बस बारिश में ही हम लोग लैंड कर गए यहाँ पे। और ये देख सकते हैं बाहर निकल रहे हैं फिर जय हिंद करते हुए, जय हिंद जय भारत। और आगे का वीडियो लेकर के जल्दी हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग बताइएगा कहाँ उतर गई हूँ मैं, कहाँ पहुँची, फिर मिलते हैं।